स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है उसके बारे में पहले थोड़ा सा आप लिख लीजिए। कॉस्टिंग का मतलब तो आप जानते ही हैं, कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट अगर ज्यादा है तो उसको कम करना, तो उसी को हम लोग कॉस्ट के अंदर देखते हैं। बट इसके साथ एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज हो गया है, इसलिए आप लिखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल इट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी कंफर्म्स to a predetermined cost या predetermined plan। One of the best way of planning cost is through standard costing। According to CIMA define किया standard costing को एक कंट्रोल टेक्निक, एक कंट्रोल टेक्निक विथ कंपेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड रेवेन्यू विथ एक्चुअल result to obtain variance which are used improved performance। यहां तक आप पहले लिख लीजिए, समझाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसको पहले शॉर्ट में आप समझ लीजिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब हम लोग निकालने जाएंगे तो देखिए, स्टैंडर्ड एक वर्ड आएगा, एक एक्चुअल वर्ड आएगा, एक स्टैंडर्ड आएगा, एक एक्चुअल आएगा। स्टैंडर्ड को एस्टिमेट भी बोल सकते हैं आप। मान लीजिए आप कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं या कोई काम करने के लिए जाते हैं तो क्या सोचते हैं आप, इतना रुपया खर्च होगा, एक एस्टिमेट बना लेते हैं। मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि चार लोग घूमने के लिए जाएंगे, आपने एक एस्टिमेट बनाया कि 10,000 खर्च हो सकता है। बट जब आप घूमने के लिए जाएंगे तो 10,000 से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो एक्चुअल हुआ जो हुआ, और जो एस्टिमेट किए मतलब वो स्टैंडर्ड, आपने सोचा इतना रुपया हो सकता है, दैट इज स्टैंडर्ड,
और जो आपका हुआ हुआ एक्चुअल, उसी का जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम लोग कहां पर देखते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कॉस्ट कंट्रोल। क्योंकि हम लोग कभी भी अगर मार्केट जाते हैं, सबसे पहले कॉस्ट का बात करते हैं। अगर दाम हमारा फेवर में रहता है तो जितना हम लोग सोच के गए उतना लेते हैं, अदरवाइज हम लोग उस क्वांटिटी को रिड्यूस कर देते हैं। और कॉस्ट रिडक्शन फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। अब कॉस्ट का कंट्रोल कैसे होगा? जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि पहले से प्री डिटरमाइन करेंगे कुछ। इट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जैसे आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस कब आते हैं? जब एग्जाम आता है तब एक्चुअल परफॉर्मेंस आता है। वैसे तो हम लोग बहुत सारा प्री डिटरमाइन करते हैं, इतना घंटा पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस आपका एग्जाम के पहले आता है। तो बताया इट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी कन्फर्म्स टू ए प्री डिटरमाइंड प्लान। पहले से आपको एक प्लान बनाना पड़ता है, और वो जो बेस्ट जो प्लानिंग जो हम लोग करते हैं उसी को किसके द्वारा करते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के द्वारा। और फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये बात बताया गया है, जहां हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट का और एक्चुअल का। किसका किसका करते हैं? स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का। इसको आप अंडरलाइन कर लो, जो अभी हम आपको बता नहीं रहे थे, ये स्टैंडर्ड हुआ और ये क्या हुआ? एक्चुअल हुआ। उसी का हम लोग कंपेयर करते हैं। तो अभी आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में पता चल गया, और सीआईएमए ने इसका जो डेफिनेशन दिया है वो भी आपको पता चल गया। अगर आ गया लिखने के लिए व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो आप लिखना, और साथ ही साथ एक डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको लिखाया। अब जब हम लोग सम्स करने के लिए जाएंगे ना, तो एक वर्ड बराबर आएगा, वेरियंस। एक वर्ड आएगा क्या? वेरियंस। तो अब यहां पर लिखिए वेरियंस। अभी भी आया था वेरियंस, ये वेरियंस क्या है? देखो वेरियंस क्या है लिखने के पहले ही आप सुन लो। अभी आपने क्या बोला था कि अगर आप घूमने के लिए कहीं जाते हैं या कोई काम करते हैं, तो एक आप एक स्टैंडर्ड यानी एक एस्टिमेट करते हैं, और एक्चुअल में जो खर्च होता है वो दोनों का जो डिफरेंस करते हैं ना, उसी को क्या बोला जाता है? वेरियंस बोला जाता है। द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द एक्चुअल आउटपुट एंड इट्स एक्चुअल कॉस्ट इज नॉन एज वेरियंस। इन कॉस्ट वेरियंस इफ द फॉर्मर exceed the latter, then the variance is said to be favorable, जिसको F से denote करते हैं। Otherwise, adverse ऐसे डिनोट करते हैं। क्या हुआ इसका मतलब, उसको थोड़ा समझ लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो आप प्री डिटरमाइन किए हैं, एस्टिमेट किए हैं कि मेरा इतना खर्चा होगा, और जो एक्चुअल हुआ उसी का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरियंस। तो ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड सोचा था, जिसको हम लोग समझने के लिए एस्टिमेट बोल दे रहे हैं, आपने सोचा था कि 10,000 खर्च होगा, बट जब आप एक्चुअल में उस काम को किए, द डिफरेंस, मान लीजिए एक्चुअल में आपका 8,000 रुपया खर्च हुआ, तो ये 2,000 प्लस में आया। 10,000 में 8,000 गया तो 2,000 प्लस में आया,
इन कॉस्ट वेरियंस इफ द फॉर्मर एक्सीड द लेटर देन द वेरियंस इज सेड टू बी फेवरेबल. तो ये क्या हुआ, फेवरेबल. इसके बगल में एफ लिखना पड़ेगा. लेकिन अगर उल्टा हो गया तो मान लीजिए यहां पर आपने 10,000 सोचा था बट 12,000 रुपया खर्च हो गया तो 2,000 रुपया क्या हुआ, हम लोग माइनस में लिखेंगे, लिखेंगे ना, दरकार नहीं. अगर आप नहीं भी लिखते हैं, आपने क्या लिख दिया, उसका मतलब ही हो गया माइनस, और एफ लिख दिए तो प्लस. तो यही यहां पर यह बात बताया गया है. अब ये पता चल गया ना, इन द कॉस्ट वेरियंस इफ द फॉर्मर एक्सीड द लेटर तो क्या होगा, एफ होगा, अदरवाइज क्या होगा, ए होगा. अब आइए, जब हम लोग ये बनाएंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो किसके किसके ऊपर वेरियंस करेंगे, मटेरियल के ऊपर करेंगे, लेबर के ऊपर करेंगे, तो क्या क्या चीज के ऊपर करेंगे उसको भी लिख दो. वेरियंस एनालिसिस, वेरियंस एनालिसिस. हम लोग मटेरियल वेरियंस निकालना पड़ेगा आपको, उसके अंदर बहुत सारा रहता है. लेबर वेरियंस निकालना पड़ेगा. अब सुनो, सबसे ज्यादा ना जो सम्स आपके ईयर में आए हुए हैं 10 इयर्स में वो कहां से आया है, मटेरियल और लेबर, बट इसके बाद भी होता है ओवरहेड. अब ओवरहेड दो है, वेरिएबल है और फिक्स्ड है. ओवरहेड वेरियंस इसमें फिक्स्ड भी आएगा और वेरिएबल भी आएगा, हो गया. अब एक एक करके हम लोग देखेंगे, सबसे पहले मटेरियल वेरियंस और फिर क्या देखेंगे हम लोग, लेबर वेरियंस. तो सबसे पहले मटेरियल वेरियंस के लिए फॉर्मूला लिखना है आपको, मिटा दें इसको, हो गया. देखिए मैंने क्या बताया, वेरियंस बता दिया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसको बोलते हैं वो आपने लिख लिया, डेफिनेशन लिख लिया, वेरियंस किसको बोलते हैं, एफ किसको बोलेंगे, ए किसको बोलेंगे, ये सारे क्लियर हो गए. अब आपको बनाना क्या क्या है, कौन कौन सा वेरियंस बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है, मटेरियल वेरियंस. इसलिए मटेरियल वेरियंस का फॉर्मूला लिखना है. एक बात पूरा दिमाग में बिठा लो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग ये जो दो है वो फॉर्मूला बेस है. आप मार्जिनल कॉस्टिंग देख चुके हैं और अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड. देखिए फॉर्मूला ऑफ मटेरियल वेरियंस. सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरियंस देखो, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस को हम लोग कैसे लिखते हैं. मटेरियल का पहला वाला एम सी वी, एम सी वी, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस. फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड को एस टी डी लिख रहे हैं, क्वांटिटी को यू टी वाई. कुछ लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एस क्यू लिखते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. स्टैंडर्ड प्राइस को लोग एस पी लिखते हैं. अगर आप ऐसा लिखेंगे एस क्यू एस पी तो सम्स के नीचे में जब आप बना लेंगे तो वहां लिख देना एस क्यू डिनोट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एस पी डिनोट स्टैंडर्ड प्राइस. इसी तरह से माइनस करेंगे इसमें एक्चुअल क्वांटिटी
इंटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी को एक्यू भी लिखते हैं लोग और एपी भी लिखते हैं एक्चुअल प्राइस को, ठीक है ना। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो सम्स के नीचे में आप बता दीजिएगा कि आपने किसको क्या लिखा है। देखिए वेरियंस किसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, जो आप एस्टिमेट किए थे और जो एक्चुअल में हुआ। दूसरा मटेरियल प्राइस वेरियंस, MPV, मटेरियल प्राइस वेरियंस। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, मटेरियल यूजेज वेरियंस, MUV, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, जो प्राइस है वहां यूज है, जहां प्राइस था वहां क्वांटिटी हो गया है, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। अगर मटेरियल वेरियंस बोले तो आपको ये तीन वेरियंस ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। लेकिन अगर इसके बाद मेंशन कर दे मटेरियल मिक्स वेरियंस, मटेरियल मिक्स वेरियंस, मटेरियल मिक्स वेरियंस MMV, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड प्रपोर्शन ऑफ मिक्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो एक और फॉर्मूला है, उसको लिखेंगे हम लोग। अब बराबर हम लोग इसी से बनाएंगे जो अभी लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। यहां पर भी एक बात है, ये जो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स देख रहे हैं, इसको निकालने का तरीका है, निकालना पड़ेगा। ऑनर्स में सारे कुछ ही बोलते हैं निकालने के लिए, बट आपके लिए पास कोर्स में जनरली आप देखेंगे कि मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेस इतना ही बोलेगा, मतलब मटेरियल वेरियंस बोलता है और बाकी कुछ नहीं बोलता है। एक और भी है, उसको भी लिख लीजिए, मटेरियल यील्ड वेरियंस या मटेरियल यील्ड वेरियंस MYV। तो पांच लिख लीजिए, बट 1, 2 और 3 ये तीन आपको बढ़िया से लर्न कर लेना है। लिखो स्टैंडर्ड कॉस्ट, पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, देखो क्या है उसको एक बार खाली देख लो, कुछ नहीं है। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस फॉर्मूला याद तो करना ही पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी सम से निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड प्राइस सम से निकालना पड़ेगा, या तो डायरेक्ट दे देगा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है सो दे देगा, अदरवाइज आपको निकालना पड़ेगा। एक्चुअल क्वांटिटी दिया रहेगा सम्स के अंदर,
और एक्चुअल प्राइस भी दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको डिवाइड करके इनटू करके निकालना पड़ेगा। अभी जैसा सम्स का रिक्वायरमेंट होगा हम लोग अभी सम्स करेंगे, आपके यूनिवर्सिटी का भी सम्स करेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी हम दे रहे हैं। सेम यहां पर है मटेरियल प्राइस वेरियंस, स्टैंडर्ड प्राइस मिल जाएगा सम्स के अंदर, एक्चुअल प्राइस भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम लोग डिवाइड करेंगे, इंटू करेंगे, कुछ भी करेंगे, सम्स का जो रिक्वायरमेंट होगा इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल यूजेज वेरियंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जैसे निकाले थे माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो सबसे पहले कुछ सम्स को लिखिए ना, फिर आपको पता चल जाएगा कैसे करना है नहीं करना है।